स्वागत सभी का नए एक बार फिर से अपने नए एपिसोड में। और आज है दिन मंडे, मेरा वैसे काम है बट कुछ ऐसा हुआ है कि आज थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा बूढ़े को दिखाना पड़ेगा कि कनाडा एक्चुअल में है क्या। और जिसकी हम बात कर रहे हैं आपको भी दिखाते हैं वो क्या है, क्योंकि हम पहले काफ़ी वीडियो में बात कर रहे थे कि टेम्परेचर ऐसा है, ये है, वो है, बट एक्चुअल में वॉट इज़ ट्रू कैनेडा और किस लिए हमें ये पसंद है, क्यों बोलते हैं कि कैनेडा इज़ ब्यूटीफुल। सो उस चक्कर में आज थोड़ा जा रहे हैं वॉक पे और दिखाते हैं बूढ़े को भी क्या सीन बनता है। तो अभी रेडी होते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि एक्चुअल में किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। सो बने रहो वीडियो में, चलते हैं बाहर दिखाते हैं आपको नज़ारे। ओ वाओ, ये देखो, ये अपने यहाँ के घर के बाहर का कुछ सीन है। और गाड़ी अगर देख लो, गाड़ी के ऑलमोस्ट हाफ पहिए तक बर्फ है और ये पूरा ड्राइव अपना हो चुका है कवर इस चीज़ में। तो अभी यहाँ से शुरुआत कैसे करनी है कि घर के बाहर टीले बने हैं। और ये अगर देखोगे ऊपर, जैसे अब 14 पीक में निम्फ जाइन है वो बताई थी बर्फ़ की बातें, तो ऐसी आ रखी हैं। तो निकलते हैं बाहर और दिखाते हैं कि आज के दिन की शुरुआत कैसे और कैनेडियन स्टाइल में कैसे करते हैं अपन लोग। टाइट कर ले नहीं तो क्या, यहाँ के लिए ये स्पेशल लेने पड़ते हैं अपने को विंटर बूट्स, ये वाले। और ये मतलब थोड़े वाटर प्रूफ भी होते हैं और अंदर से इनमें वार्म भी होता है। अगर दिखाऊँ आपको इसमें जूते में, देखोगे अंदर, तो ये अंदर गर्मी के लिए है, इसमें क्या बोलते हैं इसको, फर जैसा कुछ है। बाकी बूढ़ा लेके आया था अपने ये केचो के जूते इंडिया से, ये है वर्थ नहीं है, खत्म है। नहीं मतलब हाइट के हिसाब से बर्फ ज्यादा है तो बर्फ जा सकती है। हाँ, क्योंकि अभी जो बर्फ है अपने घुटने तक है और ये जूतों की इसमें भी बर्फ जाएगी, बट एज कम्पेयर टू जो ये लेके आया उससे पर ये पैंट बहुत काम आएगी। तो ये पैंट लेके आया था अपने, एक कह रहा है बहुत कम आएगी, देखते हैं अभी बाहर निकलते हैं। ये अगर आप देखेंगे ये लॉक है, ये लेसेस में मैंने लगाया। अच्छा ऐसे, ये अब बर्फ अंदर नहीं, साले धो लिया था, मैंने बोला था क्या लाना है तेरे को। तो अभी का प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं वॉक करते हुए और दिखाते हैं कि पूरे बर्फ के सिनेरियो में वॉक का सीन कैसे बनता है अपना। तो भाई गाड़ी निकालनी है पहले यहाँ से, और ये देख लो कितना मेरा यही मनाली शिमला मेरा यही बना हुआ है। तो जूतों में बर्फ जो जानी थी जा चुकी है ऑलरेडी, और गाड़ी के हाल देख लो क्या हुए हैं। मैं तभी तो इधर कह रहा था अब मैं गाड़ी खोलूँगा तो सीधे अंदर गिर जाएगी इसके अंदर बर्फ। तो इससे भी पहले ये देख लो गाड़ी का बना हुआ है अपना स्पॉयलर, फ्री का स्पॉइलर है अपने गाड़ी की, ना था नंबर प्लेट है ना कुछ चाहिए, देख लो पूरी कवर है। तो हमारा बूढ़ा पागल हो गया जी बर्फ देख के। यहाँ पे एक काम भी होता है कि सब लोग अपने घर के आगे से ड्राइववे पे शवल करते हैं। अब ये बड़े ड्राइववे का होने का नुकसान ये बहुत बड़ा है कि हमारा ये कम से कम 8 गाड़ी का ड्राइववे है और सारा शवल करना पड़ेगा अपने को। सो जैसे कि आजकल जिम बंद है तो ये बहुत से एक्सरसाइज है कि आप बर्फ में शवल करते हो। मतलब मेरे घुटने घुटने तक की बर्फ है और जूते में जा चुकी बर्फ। तो अपन अभी लाते हैं ग्लव्स और करते हैं थोड़ी बूढ़े की हेल्प। आप ये देख लो गाड़ी में जिसको पता है स्पॉइलर क्या होता है, ये देख लो बैंकर की क्या सही बन रखा है, बिल्कुल छज्जा बढ़िया। और गाड़ी एक्चुअल में पता है कहाँ है, गाड़ी एक्चुअल में यहाँ कहीं है, तो इतना फालतू है ये। तो जितना ये आज हम उठा रहे हैं 2-3 ट्रॉली बर्फ, होपफुली हमें कल भी इतनी उठानी पड़े और लगने वाली है। तो जनरली क्या होता है कि जो सड़क होती है वो तो गवर्नमेंट क्लीन करा देती है ट्रक वगैरह से, बट जो ये ड्राइववे होते हैं जो घर के पास होते हैं इनको आपको खुद ही क्लीन करना पड़ता है। और अगर नहीं करते हो तो ये तो ये जम जाएगी पूरी बर्फ, जो कि बहुत हार्ड हो जाएगी। अभी तो क्या है पाउडर जैसी है तो इजीली हम लोग इसको साफ़ कर पा रहे हैं। इसके लिए आपके पास वो भी आता है एक ऑटोमेटिक मोटर वाला जो कि खुद ही क्लीन कर देता है, बस आपको चलाना है, बट थोड़ी मेहनत भी ज़रूरी है। क्या है पुत्र 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 की हो गया पुत्र, ठंडा हो गया क्या सोचे थे कनाडा में जाके पैसा मिलेगा डॉलर मिले डॉलर दिस इज स्ट्रगल रियल स्ट्रगल कर 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 फटाफट हो गया, बस ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा बचा है आगे का
बाकी अपना ये ड्राइव है पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ये डिटेलिंग नहीं करेंगे बिल्कुल इसकी, ये थोड़ा बहुत ये रहेगा ऐसे ही। आगे का पोर्शन तो हमने पूरा कवर अप कर दिया है, बट ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये देखो हमारा दरवाजे तक पहुँच चुकी बर्फ। तो इसको हमने प्लान किया कि आके थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट करिए, कुछ काम करिए। देख लो गाड़ी की लाइट थोड़ी दिख रही है, बाकी पूरी कवर अप है। तो जी प्लान में है थोड़ा चेंज, अभी हमें गाड़ी भी साफ करनी पड़ेगी, तो करते हैं गाड़ी को भी साफ। आप एंजॉय करो इसका टाइम लैप्स। हाँ जी, तो प्लान जो हमारा था वॉक करने का, फिलहाल वो रद्द हो चुका है ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि दोनों थक गए थे अपन लोग। ये सड़कों का हाल देख लो, दोनों तरफ दीवारें बनी हुई है लिटरली प्रॉपर, ये देख लो दीवारें ऊंची ऊंची, तो वॉक करने का कोई फायदा नहीं था इसमें, मतलब हमारे मतलब घुटनों तक ये बर्फ थी, तो इसमें चलना तो मतलब आफत ही आ रही हमारी। फिलहाल ये मतलब ट्रैफिक क्लियर कर दी है, मतलब रोड क्लियर कर दी है अभी, तो प्लान वही है, मतलब वॉक का कैंसिल हुआ है, जहाँ हम टीम ऑर्डर ले रहे हैं। प्लस विंटर में खास ध्यान आपको रखना कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह गाड़ी के ऊपर स्नो ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगली गाड़ी के ऊपर दिक्कत पड़ सकती है। जैसे आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, इसके ऊपर बर्फ काफी है, तो अगर ये हाईवे पे जाएगी और इसके ऊपर से बर्फ उड़ के किसी और के ऊपर गिर सकती है, तो इसलिए भी ये काफी जरूरी है कि आप अपनी सेफ्टी के अलावा दूसरे के लिए भी ध्यान दो। यहाँ पे हम ड्रिफ्ट मारते हुए कोशिश करते हुए, और ये स्लिप होके गाड़ी खड़ी हो गई। पार्किंग ड्रिफ्ट मार के भी बर्फ में भी लाइन नहीं दिख रही, सही लग रही है आगे भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बढ़िया सा सनसेट हो रहा है यहाँ पे, शाम के टाइम भी जाएंगे तो देखते हैं अगर मौका मिलेगा। बाकी तो ये है जी, हर जगह स्नो है। अभी बूढ़े के मजे हैं, बूढ़े ने अभी तक रियल लाइफ देखी नहीं जी, क्योंकि इसके साथ में भी मेरे पास गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैं यहाँ पे आया मेरा कोई फ्रेंड है सानी, तो हमने मतलब पूरे स्ट्रगल देखा था। तो चिपड़ 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 कुछ चीज़ें तो कॉमन नहीं है। तो जी टीम मॉडर्न में आज बहुत भीड़ है सड़क के हिसाब से, मैं प्लान अभी हॉट चॉकलेट लेने का, तू कब आएगा? हॉट चॉकलेट चॉकलेट न्यू टू ट्राई। हाँ जी, तो अपनी हॉट चॉकलेट आ चुकी है, एंजॉय करेंगे सनसेट के साथ में। तो कब खुल जाएगा पहले बता? खुल गया आज पहली बार खुल गया। चलो भाई तेरी सर्दी की पहली हॉट चॉकलेट चुस्की। चीयर्स टू जी आपसे भी। ये सर्दियों की जीवनदायी नहीं है अपनी हॉट चॉकलेट, तो ये कह रहा है गर्म है, पर मैं कहा इसमें भी जल्दी ठंडी हो जाएगी यहाँ पे। फील है भैया, फील है। तो चलता है इसमें और ट्राई करोगे इसे स्मॉल लो, क्योंकि मीडियम या लार्ज चलती नहीं, मतलब ये साइज देख लो, मतलब मेरा हाथ का साइज ये स्मॉल में है, और ये मतलब पीनी भी ये भी झेल हो जाती है, तो इसको पीते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है अभी घूमने। टीले छोटे छोटे बर्फीले टीले। तो जी ये बर्फ बस एक 24 घंटे से भी कम में गिरी है इतनी बर्फ यहाँ पे, तो ये मोर देन मतलब 20 सेंटीमीटर बर्फ थी आज, और ये पूरा देख लो वैसा लग रहा है अंटार्कटिका में पहुंच गए, मतलब बीच में तैर रहे होंगे ग्लेशियर। यहाँ पे पूरा कंपाउंड पार्किंग का है, मतलब यहाँ पे आप पूरा दिन कभी तो कभी गर्मी में आना हुआ तो दिखाऊंगा यहाँ का, तो प्रॉपर खाली स्पेस है पूरा यहाँ पे। अभी देख लो जैसे मैं खेत में मिट्टी में टेंट लेके निकल गया हूँ,
गाड़ी और ये घुस गए हम। ये है जी माउंट एवरेस्ट बनाने की मशीन, ये देख लो, ये लाएंगे और यहाँ से ऊपर। मैं कहीं फंसे हो तो मेक श्योर कि ये आपका ये है ना ट्रैक्शन, ये दिख रहा है आपको, ये हमेशा ऑफ होना चाहिए। अगर ये आपका ऑन है गाड़ी मतलब फंसी रहेगी, चलेगी नहीं, क्योंकि ट्रैक्शन में काम करता है। जैसे आपकी गाड़ी को कहीं सेंस हुआ कि स्किड खा रही गाड़ी, तो वो पावर देती नहीं गाड़ी के व्हील्स को, मतलब वैसे ही अच्छा ऑप्शन है, बट स्नो के टाइम पे ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। और मेक श्योर कि अगर आप कहीं स्टक होते हो तो इसको ऑफ करो और तब गाड़ी पावर पूरी देती है मतलब आपको। तो ये पूरे कंपाउंड में देखो जी बर्फ का हाल, और दिखाइए साइड से, उधर से कितनी हाइट है इसकी बर्फ की, क्या सर साइड से नीचे नीचे बैठे दिखा, ये देख लो जी मेरा घुटना और ये बर्फ पीछे से दिखा। पता है आराम ही हो ये देख लो, ये क्या मतलब, ये यहाँ से स्टार्ट है, ये मेरे घुटने तक है बर्फ ऑलमोस्ट है।